आइए धार्मिक त्योहारों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषा तथा बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। दशहरे के दिन हम रावण और मेघनाद के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में दो बार ईद का त्योहार मनाते हैं। एक बार ईद उल फितर, जिससे पहले वे रोजे यानी उपवास रखते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में मजे से मीठी सेवइयां खाते हैं। दूसरी ईद बकरीद या ईद उल जुहा कहलाती है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। शबद कीर्तन होता है। सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। इसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियां, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।